इस बीच महंगे पेट्रोल और डीजल के खिलाफ लगातार प्रदर्शन चल रहे हैं। इस बीच दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने कई जगह प्रदर्शन किया है। आम आदमी पार्टी ने केंद्र से पूछा है कि जब क्रूड ऑयल का दाम बेहद कम है तो फिर देश में आम आदमी पर महंगाई की मार आखिर क्यों डाली जा रही है। यहां आपको बता दें कि पेट्रोल डीजल की कीमतें हर रोज बढ़ रही हैं। आम आदमी का जो जनजीवन है वो पूरी तरह से प्रभावित है। आम आदमी की जेब पर महंगी मार पड़ रही है। इसी को लेकर आम आदमी पार्टी ने प्रदर्शन किया। दिल्ली में बढ़ते हुए डीजल और पेट्रोल को दाम देखते हुए आम आदमी पार्टी ने एक प्रोटेस्ट यहां पे किया है। इनका मांग यही है कि बढ़ा हुआ जो दाम है दिल्ली एनसीआर के पेट्रोल के दामों का वो वापस किया जाए। और उनका ये जो पूरा प्रोटेस्ट है दिल्ली के आम आदमी पार्टी ऑफिस से निकलकर कहीं ना कहीं आगे निकले हुए बीजेपी ऑफिस तक है। हमारे साथ यहाँ पे राजेंद्र पाल गौतम भी हैं, नेता आम आदमी पार्टी के। सर, ये आप अपने प्रोटेस्ट के बारे में बताएं। एक्चुअली लगातार पिछले लगभग 25 दिन से केंद्र सरकार पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ाती जा रही है और पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने की वजह से सबसे बड़ी समस्या गरीब आदमी पे आ पड़ी है। क्योंकि जो गाड़ियों से जो सारा सामान ढोया जाता है, चाहे वो फ्रूट हो, चाहे सब्जियां हो, दालें हो, अनाज हो, उन्होंने अपने रेट, जब पेट्रोल डीजल बढ़ेगा तो वो रेट भी बढ़ाएंगे। जब वो रेट बढ़ाएंगे तो सब्जियां भी महंगी होंगी, खाद्य सामग्री महंगी, हर चीज महंगी हो जाएगी। अल्टीमेटली इस पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने की जो मार है वो हम जनता के ऊपर आ पड़ी है। और सिर्फ आम आदमी पार्टी नहीं बल्कि इससे पहले कांग्रेस और तमाम विपक्षी पार्टियां पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम पर सवाल उठा चुकी हैं।